हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सोनी एंड वेलकम टू सोनी मेकओवर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जा रहे हैं लेग वैक्सिंग करने के लिए, और वैक्सिंग के लिए हमने लिया है ये हनी का एलोवेरा वैक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसका रिज़ल्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए इनकी ग्रोथ कितना ज़्यादा हो चुकी है और इनके लेग्स पर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है और इनके थोड़े छोटे छोटे ना फोड़ियों के निशान भी हैं। तो एक पैर की मैंने पहले ही कर दी है, तो देख सकते हो आप सभी लोग कितना ज़्यादा दोनों पैरों में फ़र्क दिख रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ना इनके लेग पे अच्छे से टेलकम पाउडर की एप्लीकेशन कर दी थी, बहुत पहले भी की थी, उसके बाद में वापस से की, क्योंकि इनको स्वेटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो पार्लर में मेरे एसी नहीं है, मैंने फ़ैन के नीचे ही किया हुआ है। तो देखिए अच्छे से टेलकम पाउडर की एप्लीकेशन करने के बाद में हमने हेयर की ग्रोथ जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में वैक्स की एप्लीकेशन की है, और ज़्यादा थिक लेयर भी नहीं लगानी है हमें, पतले पतले लेयर में ही वैक्सिंग की एप्लीकेशन करनी है, क्योंकि उससे वैक्स वेस्ट हो जाता है और कुछ नहीं होता, और हमारी स्ट्रिप भी बहुत जल्दी वेस्ट हो जाती, बोलते ना ख़राब हो जाती है। तो आपको पतली पतली लेयर में ही काम करना है, और ये वैक्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्योंकि ये पतली लेयर में ही अपना काम कर देती है। तो देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है वैक्सिंग के बाद में, इनके पैरों पे कितना अच्छा ग्लो आ रहा है, और डेड स्किन सेल्स तो पूरा पूरा का पूरा निकाल दे रहा है। देख सकते हो आप सभी लोग स्ट्रिप में कितना ज़्यादा डेड स्किन सेल्स निकली हुई है, ब्लैक हो चुकी है पूरी स्ट्रिप। तो अब हमने थोड़ा सा पैर को मोड़ लिया है, नीचे के साइड में करेंगे। तो वापस से मैंने टेलकम पाउडर की एप्लीकेशन की है, तो उसके बाद में हेयर की ग्रोथ जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में वैक्स की एप्लीकेशन करेंगे। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैंने टेलकम पाउडर की एप्लीकेशन कितना ज़्यादा की है इस वैक्स में। तो वैक्सिंग शुरुआत करने के पहले भी मैंने इनके लेग्स में टेलकम पाउडर बहुत सारा लगा लिया था, देन उसके बाद में हमने वैक्स की हीटर में वैक्सिंग को निकाल के फिर गर्म किया। जब गर्म हो गया तो हमने वापस से इनके पैरों में टेलकम पाउडर की एप्लीकेशन की है, उससे हमारे जो मॉइस्चर हुआ था पैरों में वो एकदम से कंट्रोल हो चुका था, सूख चुका था जो पसीना था वो सारा। देन उसके बाद में हमने वापस से वैक्सिंग की। तो देखिए थोड़े थोड़े पार्ट्स में हमने वैक्सिंग की है, देन उसके बाद में वापस से एप्लीकेशन की है टेलकम पाउडर की। तो इससे आपके वैक्सिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो गाइस थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड इग्नोर करना लेफ्ट साइड वाला, क्योंकि मेरे पार्लर में काम चालू है इस वजह से थोड़ा सा ऐसा है। तो देखिए अभी घुटनों में हमने छोड़ दिया था पहले, क्योंकि घुटने की जो स्किन होती है ना वो थोड़ी सी लूज टाइप में होती है, तो इसको हमने ऐसे टाइट करके करवाया है, थोड़ा सा मोड़ लेना है घुटने को। देन उसके बाद में अब हमने नीचे की वैक्सिंग की है, तो यहाँ पे भी बाल तो वैसे होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे वैक्सिंग करनी चाहिए क्योंकि डेड स्किन सेल्स होती है। वैक्सिंग हमेशा कभी भी हमें बाल के लिए नहीं करनी है, ये सोच के नहीं करनी कि हमें हेयर्स को रिमूव करना है, ये सोच के करनी कि पूरे स्किन की हमें डेड स्किन सेल्स निकालनी है। तो देखिए अच्छे से जो एक्स्ट्रा वैक्स लगी हुई थी उसे हमने स्ट्रिप की हेल्प से निकाल लिया है। तो अब हमने पीछे की वैक्स जो करनी है हमें इसमें हमें उल्टे लेट जाना है, देन उसके बाद में वैक्सिंग करनी है। तो देखिए फिर से मैंने वैक्सिंग करने के पहले टेलकम पाउडर की एप्लीकेशन की है, और जब भी हम स्ट्रिप को खींचते हैं तो हमेशा स्किन को स्ट्रेच करके ही खींचना है, उससे हमारी स्किन थोड़ी सी टाइट हो जाती है तो फटाक से वैक्सिंग निकल जाती है जो वैक्स लगी होती है, और हेयर्स भी बहुत अच्छे से निकल जाते, टूटते नहीं हैं। तो देखिए कितने ईजली हो गई है हमारी वैक्स और कितना ज़्यादा डेड स्किन सेल्स निकली हुई है। तो गाइस लास्ट में रिज़ल्ट देखिएगा कितना ज़्यादा अच्छा आया हुआ है इनका, और इसका जो ग्लो है, इसका जो रिज़ल्ट है वो भी फेशियल की तरह है, क्योंकि फेशियल जब हम करते हैं तो उसका ग्लो दूसरे दिन हमें देखने के लिए मिलता है, तो वैसे ही इस वैक्स का भी रिज़ल्ट हमें दूसरे दिन देखने के लिए मिलता है। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका। तो देखिए देखते देखते वैक्सिंग हो चुकी है,
एक्स्ट्रा जो है स्ट्रिप्स से हमें निकाल लेना है, क्योंकि जब हम स्पंज से निकालते तो नहीं निकलता है अच्छे से। तो देखिए अच्छे से हमने गीले स्पंज की हेल्प से हमने पोंछ लिया है। फिर उसके बाद में आगे साइड में भी हमने जो लगी हुई थी वो पोंछ लिया अच्छे से। तो देखिए पहले कैसे थे इनके लेग्स, देन उसके बाद में हमारा आफ्टर रिजल्ट कितना अच्छा आया हुआ है। तो गाइस आप लोग ज़रूर इस वैक्सिंग वैक्स को अब ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा वैक्स है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।